Good morning, student. This is our pharmacology class in which we will study about the different systems on which different drugs act. भाई हमने अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ा था फार्मेकोलॉजी का, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था. अब हम अपनी मेन फार्मा जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग ड्रग्स को पढ़ेंगे और वो ड्रग्स कौन कौन से सिस्टम के ऊपर वर्क करती है वो हम पढ़ेंगे. मतलब हम अब जो है सिस्टम स्टार्ट कर देंगे, यानी सिस्टमिक स्टडी अपने ड्रग्स की चलनी स्टार्ट हो जाएगी. तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. क्योंकि जब अपन सिस्टम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला हमेशा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही होता है, हमें इसी को ही पढ़ना है. तो इसी को अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं. तो हमारे चैप्टर का नाम है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो देखिए अब हम ये पढ़ें कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे कौन सी ड्रग्स एक्ट करती हैं. उससे पहले ज़रूरी है कि हम ये पढ़ लें कि नर्वस सिस्टम क्या होता है. तो देखिए नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड सेकेंड सिस्टम इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. देखिए ब्रेन वो है जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, और इस ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड, और आपकी बॉडी को ब्रेन से कनेक्ट करने का काम कर रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इस तरह से होता है. ये चीज़ आपने पढ़ी है एनाफिजियो के अंदर, आप ये चीज़ डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो मुझे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. बस हम इन शॉर्ट इन सब की एक बार स्टडी कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे. बाकी हम आगे जो है वो पढ़ेंगे अपने ड्रग्स के बारे में ही. तो हमने कहा ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल रेगुलेट कर रहा है, ब्रेन को पीएनएस से कनेक्ट कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपकी सीएनएस और रेस्ट ऑफ बॉडी के कम्युनिकेशन लाइन को बनाता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट बिटवीन द सीएनएस एंड द रेस्ट ऑफ बॉडी. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आती हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आती हैं. And as I told you that peripheral nervous system is further divided into the somatic nervous system and autonomic nervous system. Somatic nervous system control voluntary muscles and transmit sensory information to CNS and also conduct impulses from CNS to skeletal muscles. आपका जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है आपकी सभी वॉल्यूंट्री मसल्स को कंट्रोल कर रहा है, आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को वो सीएनएस तक भेजने का काम कर रहा होता है, क्योंकि सीएनएस और रेस्ट ऑफ बॉडी को जोड़ने का काम पीएनएस कर रहा था. पीएनएस को डिवाइड अपन ने एसएनएस और एएनएस में किया है. तो एसएनएस सीएनएस तक सेंसरी इन्फॉर्मेशन को मसल से लेकर के ट्रांसमिट करता है, वॉल्यूंट्री मसल से इन्फॉर्मेशन लेता है सीएनएस तक ट्रांसमिट करता है, और फिर CNS से skeletal muscles तक information को transmit करता है. तो ANS क्या कर रहा है, just opposite, उसने voluntary muscles का किया था, ये involuntary body functions को conduct करने का काम ANS करता है, autonomic nervous system. इसके अलावा ये impulses को conduct करता है CNS से लेकर के हमारे different organs तक, जैसे cardiac muscles, smooth muscles and glands तक impulses को CNS से लेकर के आता है और इन पार्ट्स में भेज देता है. फिर हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू द एंटेरिक नर्वस सिस्टम, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम अराउजेस बॉडी टू एक्सपैंड एनर्जी, मोबिलाइजेस बॉडी सिस्टम ड्यूरिंग एक्टिविटी लाइक फाइट और फ्लाइट. ऐसी जब सिचुएशन डर की स्ट्रेस की सिचुएशन हो जाती है तो आपकी बॉडी में फाइट और फ्लाइट वाला जो आपको मैसेज दे रहा होता है वो ये सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम देता है. और पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है, इट काम द बॉडी टू कंजर्व एंड मेंटेन एनर्जी. एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, कंजर्व करने के लिए आपकी बॉडी को काम बना के रखता है, शांत बना करके रखता है. एंड ऑल्सो प्रमोट हाउस कीपिंग फंक्शन ड्यूरिंग रेस्ट. जब आप रेस्ट में होते हैं तो आपकी बॉडी के हाउस कीपिंग फंक्शंस को ये कंट्रोल करता रहता है. जैसे सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम
हार्ट के ऊपर एक्शन दिखाता है, हार्ट रेट बढ़ा देता है, FOC बढ़ा देता है, प्यूपिल में माइट्रियासिस कॉज करता है, ब्रोंकाई में ब्रोंको डायलेटेशन कॉज करता है, GIT में GI की मोटिलिटी को कम करता है और स्फिंक्टर टोन को बढ़ाता है। ये सिंपैथेटिक स्टिम्यूलेशंस हैं, ये आपने सब कुछ पढ़े हैं, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। और पैरासिम्पैथेटिक स्टिम्यूलेशन में हार्ट रेट कम हो जाती है, FOC कम हो जाती है, प्यूपिल में मायोसिस हो जाता है, ब्रोंकाई में ब्रोंकोस्पाज़म हो जाता है, GIT की मोटिलिटी जो है वो बढ़ जाती है और स्फिंक्टर मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। इस तरह से ये FOC तो आपको समझ में आ गया ना, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, तो इस तरह से ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्टिम्यूलेशन आपकी बॉडी को मिलते हैं, इस तरह से ये वर्क जो है इसका चल रहा होता है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा हमने जो बोला कि भाई वर्ड हमने बोला कि आपका जो PNS है वो दो में डिवाइड हुआ था, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, ऐसा मैंने यहाँ पर अभी बताया है क्लासिफिकेशन में। तो एक बार अपन इसको सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप देखिए कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है आपके स्केलेटल मसल्स को सप्लाई कर रहा होता है, जबकि बाकी रिमेनिंग ऑर्गन्स को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करता है। इसके जो सिनेप्स है CNS के अंदर से, डिस्टल मोस्ट स्नैप्स जो है वो विद इन CNS ही रहते हैं सोमैटिक के, जबकि ऑटोनॉमिक के CNS से बाहर गैंग्लिया में रहते हैं। नर्व फाइबर सोमैटिक का हमेशा माइलिनेटेड होता है, मतलब माइलिन की शीथ पाई जाती है, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम माइलिनेटेड भी होता है, नॉन माइलिनेटेड भी होता है। प्री गैंग्लिया जो है वो माइलिनेटेड, पोस्ट गैंग्लियोनिक पार्ट जो है वो नॉन माइलिनेटेड होता है, मतलब माइलिन की कवरिंग नहीं पाई जाती। ये पॉइंट भी आपने एनाफिजियो में अच्छे से पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप दोबारा से उस सब्जेक्ट को पढ़ें। पेरिफेरल प्लेक्सस सोमैटिक नर्वस सिस्टम में नहीं बनते हैं, जबकि ऑटोनॉमिक में बनते हैं। इफरेंट ट्रांसमीटर, मतलब वो अपने मैसेज को ट्रांसमिट कैसे करते हैं, तो सोमैटिक एसिटाइल कोलिन के द्वारा अपने मैसेज को ट्रांसमिट करता है, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एसिटाइल कोलिन और नॉर एड्रीनालिन के द्वारा अपना न्यूरो ट्रांसमिशन का काम कर रहा होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम जो पढ़ेंगे वो इसी से जुड़ा हुआ पार्ट है, तो एसिटाइल कोलिन को आप याद रखिए। इसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ नर्व सेक्शन ऑन ऑर्गन सप्लाइड में क्या होता है, कि अगर किसी ऑर्गन को सप्लाई करने वाली नर्व सेक्शन इफ़ेक्ट हो जाती है तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम की वजह से पैरालिसिस हो जाता है उस पर्सन को और एट्रॉफी हो जाती है, जबकि ऑटोनॉमिक में कोई एट्रॉफी नहीं होती और एक्टिविटी जो है वो मेंटेन रहती है, मतलब पैरालिसिस वगैरह के कोई चांसेस नहीं रहते। ये तो हुआ आपका सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए, जब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अपने फार्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये तो जनरल नर्वस सिस्टम के बारे में बताई है, हमारा तो जो टॉपिक है वो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जब हम ड्रग्स पढ़ेंगे तो हम इसके अंदर कई टॉपिक्स पढ़ते हैं, मतलब हम इसको कई आगे फर्दर टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये तो एक पूरी यूनिट हो गई। तो यूनिट के अंदर जो चैप्टर्स जैसे आएंगे तो उसमें हम कॉलिनर्जिक सिस्टम एंड ड्रग्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स एंड ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, थर्ड वन एड्रीनर्जिक सिस्टम एंड ड्रग्स, एंड फोर्थ एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स लाइक एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड ड्रग्स फॉर ग्लूकोमा। ये टॉपिक हम इस तरह से पढ़ेंगे, ये चार टॉपिक्स में एक्चुअली हम इस सिस्टम को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके हमारे को पढ़ना होता है। मैं चारों के नाम वापस ले देती हूँ, कॉलिनर्जिक सिस्टम एंड ड्रग्स, एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स एंड ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, थर्ड एड्रीनर्जिक सिस्टम एंड ड्रग्स, फोर्थ एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स एंड ड्रग्स फॉर ग्लूकोमा। तो इस तरह से हमने अपने इस टॉपिक को, इस चैप्टर को जो है डिवाइड किया हुआ है। अब सबसे पहले हम ऑब्वियस से कॉलिनर्जिक सिस्टम को पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारा टॉपिक नेक्स्ट है कॉलिनर्जिक सिस्टम। तो कॉलिनर्जिक ट्रांसमिशन एक्चुअली कैसे होता है, तो मैंने आपको कहा था कि एसिटाइल कोलिन नाम आप याद रखिए, ये कॉलिनर्जिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है, कॉलिनर्जिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन।
या फिर आप कह सकते हैं एसिटाइलकोलीन ACH इज़ अ मेजर न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमीटर एट ऑटोनॉमिक सोमैटिक एज वेल एज सेंट्रल साइट्स। ठीक है, अब इसके अलावा जिस न्यूरॉन में ये बनता है, स्टोर होता है और रिलीज होता है ये ACH, उसको अपन कहते हैं कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स। द न्यूरॉन्स दैट सिंथेसाइज स्टोर एंड रिलीज ACH आर कॉल्ड कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स। तो जिस सिस्टम में ये कॉलिनर्जिक सिस्टम जिसके अंदर मेन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलीन है वो कॉलिनर्जिक सिस्टम, और जिस न्यूरॉन्स में ये बनता है, स्टोर होता है, रिलीज होता है, उसको कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं। और इस एसिटाइलकोलीन की क्या खासियत है कि ये कॉलिनेस्ट्रेज एंजाइम के द्वारा तुरंत हाइड्रोलाइज्ड भी हो जाता है। कॉलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो है वो दो तरह के होते हैं, ट्रू एंड स्यूडो कॉलिनेस्ट्रेज, ट्रू एंड स्यूडो कॉलिनेस्ट्रेज। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स। कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स में आपको बताऊं, उससे पहले आपको एक पॉइंट बता देती हूँ कि जो ड्रग्स हम किसी को देते हैं या हम लेते हैं, या जो बॉडी पर एक्ट करने वाली ड्रग्स होती हैं, ये दो तरह से एक्चुअली एक्ट कर रही होती हैं। ड्रग्स के एक्ट करने का, एक्शन करने का जो सिस्टम है, जो तरीका है, वो दो तरीके से, यानी आपको मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन जो है वो दो तरह से वर्क करती है, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड एंड रिसेप्टर मीडिएटेड। कुछ ड्रग्स रिसेप्टर के द्वारा एक्ट करती है, कुछ बिना रिसेप्टर के एक्ट करती है। कॉलिनर्जिक सिस्टम जो है वो रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन शो करता है, मतलब इसमें रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स एक्चुअली क्या होते हैं भाई? रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारे सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर, रिसेप्टर्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट आइदर ऑन द सेल सरफेस, साइटोप्लाज्म और इन द न्यूक्लियस विद विच द ड्रग बाइंड्स एंड इंटरैक्ट्स टू प्रोड्यूस सेल्यूलर चेंजेस। रिसेप्टर्स वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल सरफेस पर, साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में पाया जाता है, जिसके ऊपर ड्रग बाइंड करती है और इंटरैक्ट करती है और सेल्यूलर चेंजेस को प्रोड्यूस करती है। तो ड्रग जब रिसेप्टर के साथ में बाइंड होती है तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाती है, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स दिखाई देता है। अब ये रिसेप्टर सबके अंदर अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे एडिनर्जिक रिसेप्टर्स अल्फा बीटा होते हैं, कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स मस्कारिनिक और निकोटिनिक होते हैं, और इसके अलावा ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं। तो मैंने कहा कॉलिनर्जिक में दो रिसेप्टर्स हैं, मस्कारिनिक और निकोटिनिक। तो देखिए, मस्कारिनिक रिसेप्टर को एम रिसेप्टर अपन कहते हैं, ये हार्ट, स्मूथ मसल्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और CNS पर पाए जाते हैं। मस्कारिनिक रिसेप्टर्स हार्ट, स्मूथ मसल्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और CNS पर पाए जाते हैं, जबकि निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो है वो न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन जो आपकी बॉडी में होता है NMJ वहाँ पर लोकेटेड होता है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे लोकेटेड होता है, और एड्रीनल मेड्यूला जो आपके रीनल का, रीनल के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेड्यूला। तो एड्रीनल मेड्यूला के ऊपर निकोटिनिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, तो एड्रीनल मेड्यूला पे, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे और NMJ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर निकोटिनिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये दो रिसेप्टर्स होते हैं कॉलिनर्जिक सिस्टम के, मस्कारिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको रिसेप्टर्स के बारे में बता दिया। कॉलिनर्जिक सिस्टम हमने स्टार्ट कर लिया, इससे पहले हमने नर्वस सिस्टम पढ़ लिया है, नर्वस सिस्टम जनरल पढ़ा, जनरल का फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिसमें हमारा मेन पॉइंट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमने बोला भाई एसिटाइलकोलीन के बारे में हमने पढ़ा, और हमने उसमें सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर दिया, वो है कॉलिनर्जिक सिस्टम। कॉलिनर्जिक सिस्टम का मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइलकोलीन, ऐसा हमने कहा है। अब हमारे को इस कॉलिनर्जिक जो ड्रग्स हैं उनके बारे में हमें आगे पढ़ना है कि कॉलिनर्जिक ड्रग्स की क्या खासियत है। तो देखिए, हमने बोला एक तो कि भाई एसिटाइलकोलीन जो होता है वो बहुत ही जल्दी हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, ये लाइन मैंने अभी आपको बोल के बताई, यहाँ ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखी हुई है ना। एसिटाइलकोलीन इज़ अ क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड एंड इज रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड बाय कॉलिनेस्ट्रेज, हैंस इट हैज़ नो थेरापेटिक एप्लीकेशन। इसलिए एसिटाइलकोलीन का खुद का कोई थेरापेटिक एप्लीकेशन नहीं होता, क्योंकि ये क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड है और ये कॉलिनेस्ट्रेज के द्वारा रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, इसलिए इसका कोई थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन नहीं होता। पर हमें कॉलिनर्जिक एजेंट्स पढ़ने हैं जिनको हम
कॉलिनोमाइमेटिक्स या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स कहते हैं। तो देखिए ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, कॉलिनर्जिक ड्रग्स कह लीजिए आप इसको, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स कह लीजिए या कॉलिनोमाइमेटिक ड्रग्स आप इन्हें कह सकते हैं। अब कॉलिनर्जिक एगोनिस जो हैं या ये जो ड्रग्स हैं, वी कैन फर्दर डिवाइडेड दैम इनटू टू क्लासेस, डायरेक्टली एक्टिंग एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग आर ऑल्सो नोन एज एंटी कॉलिनेस्ट्रेजेस। नाउ डायरेक्टली एक्टिंग आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एस्टाइलकोलीन, पाइलोकार्पिन, बिथानिकॉल, मिथाकोलीन एंड कार्बाकॉल, वाइल इनडायरेक्टली एक्टिंग और एंटी कॉलिनेस्ट्रेज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू रिवर्सिबल इनहिबिटर्स एंड इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स आर ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू लिपिड सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड्स। लिपिड सॉल्यूबल्स आर फाइसोस्टिगमाइन, राइवास्टिगमाइन, टैकरीन, डोनिपाजिल, गैलेंटामीन, वाइल वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड्स आर नियोस्टिगमाइन, पायरिडोस्टिगमाइन, एड्रोफोनियम। दीज आर द रिवर्सिबल एंटी कॉलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स। नाउ अनदर क्लास ऑफ इनडायरेक्टली एक्टिंग कॉलिनर्जिक ड्रग्स आर इरिवर्सिबल एंटी कॉलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स विच ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इंटू ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आर ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इंटू द फाइव ग्रुप्स लाइक मेलाथायोन, पैराथायोन, क्लोरपायरीफॉस, एकोथायोफेट एंड नर्व गैसेस लाइक टैबिन, सैरिन एंड सोमान। कार्बामेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इंटू थ्री ग्रुप्स, कार्बारिल, प्रोपोक्सर एंड एल्डिकार्ब। तो इस तरह से ये कॉलिनर्जिक एजेंट्स का क्लासिफिकेशन है। अब ये जो हमने कॉलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ी हैं इनको हम आगे और फर्दर पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। डायरेक्टली में जो एस्टाइलकोलीन आ रही है वो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या एक्शन दिखा रही है, हमारे को पढ़ना है इसका। क्योंकि जैसे हमने बोला ना रिसेप्टर्स, इसमें दो रिसेप्टर्स के नाम लिए हमने कि भाई मस्कारेनिक रिसेप्टर्स है और निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, तो ये अपने एक्शन भी जो ड्रग्स हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग दिखाती है। अगर मस्कारेनिक रिसेप्टर पे वो बाइंड हो रही तो मस्कारेनिक एक्शन दिखाएगी, निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड हो रही तो निकोटिनिक एक्शन दिखाएंगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ये कॉलिनर्जिक एंटी कॉलिनर्जिक इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको अगर कोई भी डाउट हो, अगर कोई क्वेश्चन है, फर्दर क्वारीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, आप अपने सीआर को जो है अपने डाउट्स लिख करके दे दीजिए, मुझे वो मिल जाएंगे। मैं मेल के थ्रू आपके डाउट्स, आपके प्रॉब्लम्स, आपके क्वेश्चंस रिसीव कर लूँगी और मैं आपको फिर अपने नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास के अंदर जो है उनके डाउट्स को सॉल्व करके आपको बता दूँगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। थैंक यू सो मच।